मालिकी सजनवा जी प्यारी सत्संग जी और सच्चे मुर्शिद कामिल के पाक पवित्र वचन भजन द्वारा आपकी सेवा में अर्ज करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। जिस नाम गया मिल कमल गया खिल है कट जाए नाम से चौरासी का फेरा। जिस नाम गया मिल कमल गया खिल है कट जाए नाम से चौरासी का फेरा। काली नाम से काम का नहीं बंदे बिन अधिकारी नाम का नहीं। सूरज के साथ होता है जैसे जिस बेरा जिस नाम गया मिल। जन्म बड़ी देर से पाया है चक्कर 84 लाख जून में लगाया है बहुत लंबा जन्म मरण का ये बेरा जिस नाम गया मिल। लेते ही जन्म भूल गया काम अपना जी काम अपना। देख देख खुश हो रहा है सपना आंख खुली कुछ नारा फिर यहाँ तेरा जिस नाम गया मिल। कमल गया खिल है कट जाए नाम से 84 का फेरा। जाल में लिया है पैसा लिया है पैसा। बहन भाई देख परिवार को हंसा साथ न जाए कोई कहता जीने मेरा इस नाम गया मिल। सच्चा नाम जी साथ जाएगा भीड़ पड़े यहाँ नाम ही
छुड़ाएगा जब काल चंदू तुझे पाएंगे गेरा जो नाम गया मिल जिसको तू मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर शरीर तेरा हरि का है सच्चा मंदिर इसी में बताए राम का है बसेरा इस नाम गया मिल शासत नाम जी शासत नाम जी नाम को दया नाम को दया नाम की है धुन अंदर हो रही सदा सुन न सके मन का लगा हुआ है पहरा इस नाम गया मिल कमल गया गिल है कट जाए नाम से चौरासी का फेरा इस नाम गया मिल धन सतगुरु तेरा ही अस। तो अभी आपने भजन में सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर के पवित्र वचनों को सुना। जिस नाम गया मिल कमल गया खिल, मालिक का नाम प्रभु का नाम जिसको मिल गया, इस मृत्यु लोक रूपी गंदगी में कमल जीवात्मा खिल गया जो कि मुरझाया हुआ था, बुरी तरह से गंदगी का रूप धारण किए हुए था। सदगुरु ने ऐसा नाम बख्शा, ऐसा मालिक का नाम दिया जिससे वो कमल खिलने लगा। चारों तरफ झूठ है, फरेब है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, रिश्वतखोरी है। ऐसे समय में यहां बुराई का बोलबाला हो, क्या नुमाइंदा, क्या कोई बड़ा, क्या छोटा, हर कोई अपने हाथ सेकने में लगा है, खुद गर्जी में लगा है। ऐसे समय में सदगुरु ने एक अनमोल राम का नाम बताया जिसको लेने से इस गंदगी में कमल खिल गया। और ज्यों ज्यों सुमण करता जाए, ज्यों ज्यों भक्ति करता जाए, इस कमल में से खुशबू की लपटें आने लगी। ये इंसान के ऊपर निर्भर है, इंसान वचनों को माने, इंसान वचनों पे अमल करे तो ना अंदर कमी रहती है ना बाहर कमी रहती है। दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन जाता है, दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो जाता है। तो सतगुरु जी ने इस भजन के द्वारा जीव को समझाया कि कैसे मनुष्य जन्म मिला है और बिना नाम के अगर तू खाली जाता है तो भाई खुशियां नहीं मिलेंगी। यहां भी अंधकार, आगे भी अंधकार। जैसे सूरज के साथ सवेरा होता है, उसी तरह नाम के साथ खुशियों का सवेरा होता है। तमाम गम चिंता परेशानियां मिट जाया करती हैं, इंसान को परम शांति मिलती है। जब तक आदमी का मन अशांत है, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। जब आपके अंदर अशांति है, कोई हंस रहा है तो आपको बहुत बुरा लगेगा, कहोगे क्यों दांत निकाल रहा है, क्यों भाई दांत कोई तेरे अगले के दांत है, हंसेगा वो तो, पर खुद का मन बुझा हुआ है ना, खुद को दुख है, परेशानी है, इसलिए कोई हंसता हुआ, कोई खुश है, वो उसे अच्छा नहीं लगता। और जब आदमी खुश है उसको मुरझाया हुआ अच्छा नहीं लगता, क्यों मुंह लटका रखा भाई, क्या हो गया। तो कहने का मतलब आदमी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा है।
ये तभी संभव है खुशी का आना जब वचनों पे अमल किया जाए। इस घोर कलयुग में और किसी तरीके से खुशी हासिल नहीं होती, परमानंद हासिल नहीं होता जब तक जीव सुमरण नहीं करता, जब तक भक्ति इबादत नहीं करता। कुछ भी करता फिरे, कुछ भी बन जाए, लेकिन मालिक के नाम के बिना खुशी अंदर से नहीं आती। तरह तरह के ख्याल, तरह तरह के विचार, तरह तरह की सोच, आदमी कभी डूब गया, कभी निकल गया, कभी डूब गया, कभी निकल गया, कभी लगा कि संतों के वचन सही है, मान लिए तो खुशी है, अगले दिन मन ने पैसा पासा फेंका, नहीं नहीं क्या मिलने वाला है, सब बस ऐसे टेम्परेरी बातें हैं, छोड़, फिर रगड़ दिया, फिर झुक गया, फिर सत्संग सुना, फिर जद्दोजहद, मन और आत्मा की लड़ाई चलती रहती। आत्मा कहती नहीं, फकीर सही कहते हैं, उन्होंने अपने से क्या लेना है भाई, अपने से क्या दुश्मनी है जो गलत कहेंगे। तो एक बार तो मन दब जाता है कि हाँ ठीक है, लेकिन जैसे इस दायरे से उठ के बाहर जाता है, चार मनमते लोग आके जैसे पंप मारते हैं ना, टायर में हवा भरते हैं, वैसे मनमते लोग पंप मारते हैं, नहीं 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 ये ऐसा ही होता है, अरे अरे आ गया बातों में, फंस गया, बस गया, तरह तरह की बातें। आदमी फिर सोचते हैं यार मैं तो मन को पक्का रहूंगा, अरे कहां जा रहा है मूर्ख, ऐसे मनमते लोगों को परछाई भी ना पड़ने दे, बात सुनना तो दूर की बात, संभव हो तो दूरी बना के रख। क्योंकि अगर इंसान परमपिता जी के वचनों पर अमल करे तो यही वचन है कि निंदा की तो परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। तो भाई अमल करो। किसी सज्जन ने शायद ये चिट्ठी में या पत्र में लिखा कि गुरुजी परमपिता ने वचन किए कि आश्रम में कोई किसी से चंदा नहीं लिया जाता, कोई चढ़ावा नहीं लिया जाता, तो हम अब भी गारंटी लेते हैं यहां किसी से अब भी कोई चंदा या चढ़ावा नहीं। वो जो पर्ची है वो बैंक की है, चाहे जाके आप बैंक में देख लो, आपका पैसा बैंक में जमा होता है, यहां कोई बैंक डेरे का नहीं है। बैंक जो बैंक होते हैं उनमें खाता है सत्संगत का, और उसमें राम नाम की चर्चा होती है, उसमें कोई भी पैसा लगता है वो गरीबों के इलाज के लिए लगता है, दीन दुखियों के मदद के लिए लगता है। किसी के अंदर ये भ्रम हो, किसी ने ये पर्ची भेजी कि जी ऐसा पहले बोला गया या ऐसा कहा गया या ऐसा वचन, तो आज वचन ज्यों के त्यों है, यहां तो कोई गोलक नहीं रखा, यहां तो कोई पर्ची नहीं कटती कि भाई इतने रुपए यहां दे जा। वो जो पैसा आप दीन दुखियों मध्य में जमा करवाते हैं वो बैंक में करवाते हैं। और दूसरी बात, बेपरवाह जी के वचन है, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, तो जो मर्जी कर ले उनकी मर्जी। कईयों के अंदर ये गेर अड़ा है तो वो ऐसे भी निकल सकता है। गुरु साहबान सब एक ही थे। गुरु नानक देव जी ने शांतमय तरीके से पांचवें पाशाही तक ऐसे ही चला, लेकिन छठवें पाशाही ने सब कुछ उठा लिया। तो वो तो महापुरुष, गुरु उनकी नकल कोई कर ही नहीं सकता। तो ऐसे फकीर होते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। जब संत गुरु मुर्शिदे कामिल उनको हुक्म देते हैं, जैसा समय वैसे ही बात होती है, जैसा समय वैसा ओला, जो जो समय वैसे वैसे कार्य होते रहते हैं। तो कईयों के अंदर ये बच्चा बन जाता है तो उनको निकाल देना चाहिए बड़ा होने से पहले पहले, क्योंकि मन रूपी बच्चा बड़ा गंदा है। ये अंदर फूलता जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, मान लो आपके अंदर गुब्बारा भर दिया जाए, ये गुब्बारा अंदर चला जाए और बाद में उसके अंदर हवा भरो तो पेट कैसे फूल जाएगा, कितने मुश्किल से चलोगे आप, दो दो बन के चलोगे, एक आप एक आपका पेट। तो वैसे मन जो हवा देता है वो गुब्बारा बना देता है ऐसे, फिर आदमी ऐसे लगता है कि नहीं मैं कुछ और हूं, मैं थोड़ा ही हूं, मेरे साथ कुछ और भी है। तो बजाय वो होने से पहले पहले इसकी हवा निकाल दीजिए मन की, राम नाम के द्वारा, संत पीर फकीर के वचनों के द्वारा। जो डाउट है, जो शक है, क्लियर करो, जो मर्जी आए, क्योंकि हम कोई चोरी थोड़ी करते हैं, बुरे कर्म थोड़ी ना करते हैं। सदगुरु ने जो वचन किए हैं उसी के अनुसार चल रहा है, चलता था, चला रहे हैं, चलता रहेगा, कई गुना बढ़ चढ़ के चलेगा, ये उनके वचन। तो भाई ऐसे किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। कोई सवाल है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आप पूछो, आपकी मर्जी, अच्छी बात है, ताकि आपका शक शुबा जो है वो दूर हो जाए। तो यही बेपरवाह जी ने फरमाया, धुन तेरे अंदर आ रही है, आवाज तेरे अंदर आ रही है, ताकि उस आवाज को पकड़ के तू मालिक की खुशियों को हासिल कर ले, ऐसा सुमन कर, ऐसी भक्ति कर, ऐसी इबादत कर, ताकि दोनों जहां की खुशियों से तू माला माल हो जाए। तो ये भजन में बताया जी। बात करना चाहते हैं गोंगचो चाइना से, बोलो बेटा बात करो। जी बोलो। आप जी ने बच्चे एक्सटूडेंट रचनदीप इंसान, महकप्रीत इंसान, गुरजोत इंसान गल कर रहे हैं जी। जी कितने तो की हाल है?
ਬੀਬਰਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ MBBS ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ MBBS ਚੰਗੇ ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਬੇਟਾ ਏਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ 55 ਕਿਲੋ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 5'9" ਜਾਂ 10" ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਰੋਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਬਾਲਾ ਭਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਵਜਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨਾ? ਇੱਥੇ ਕਈ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਨਾਂ ਚ, ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਔਖੇ, ਖੜੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ। ਸੋ ਸੌਖਾ, ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਸਿਮਣ ਕਰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੀ ਚ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਈ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਓੜ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬਚਨਾ ਤੇ ਰਹੋ ਬੇਟਾ, ਸਿਮਣ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਓੜ ਨਵਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਸੋਹਣੀ ਨੀ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਗੁਲਗੁਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੋਹਣੀ ਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਨੀ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਚ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਪੱਕੇ ਹੋਣ, ਕੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ, ਪੱਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੈ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਬੇਟਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਦਨ ਦਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ। ਜੀ ਬੇਟਾ, ਤੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ 463 ਕੇ ਕਰੀਬ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਔਰ 954 ਕੇ ਕਰੀਬ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੀ ਤਾਦਾਦ ਮੇਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਮੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭਕੋ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਇੰਸਾ ਟੋਰੋਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਮਜਲਿਸ ਮੇਂ ਬੈਠੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅਭਿਜੀਤ ਇੰਸਾ ਕਾ ਸਾਤਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ, ਇਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਂ ਦਿਨ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਬੈਂਕ ਮੇਂ 3100 ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ, ਬੱਚਾ ਨੇਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ, ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਮੇਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ, ਸਭਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਪੈਲਫਰ ਫੋਰਸ ਵਿੰਗ ਕਾ ਪਰਛਾ ਲੈਣਾ, 3 ਭਾਈ 2 ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਪੈਲ ਫੋਰਸ ਵਿੰਗ ਕੇ ਅਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਸਰਸਾ ਹੈਂਡਬਾਲ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀਓ ਕਾ ਲਿਖਾ ਹੈ ਜੀ ਉਨ੍ਹੋਂ, ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਂ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਆ ਹੈ। ਹੈਂਡਬਾਲ ਕੇ 4 ਖਿਲਾੜੀਓ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਚਨੋ ਪੇ ਰਹੋ, ਸਿਮਣ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਘਰ ਜਾਣੇ ਕੀ ਆਗੇ ਲੈਣੇ 6 ਸੇ 50 ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਹਿਣ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ 60 ਦਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਣ ਸਤਸੰਗ ਫਲ ਬੜ ਚੜ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਜੋੜੀਆਂ ਮੇਂ ਡਾਲੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਮਾਲਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੇ ਨਵਾਜੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਬੈਠ ਜਾਏ। ਬਲਾਕ ਸੰਗਰੂਰ ਸੇ 2 ਜੋੜੀ ਆਂਖੇ ਲੇਕਰ ਆਏ, ਨੇਤਰਦਾਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲੱਖੂ ਰਾਮ, ਸੁਨੇਤਰਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਢੰਗ ਸੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੋ ਆਂਖੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲਾਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਕੀ ਆਂਖੇ ਲਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੋ ਯੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਂਖੇ ਦਾਨ ਕੀ ਉਨਕੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ, ਆਂਖੇ ਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਲਿਕ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੀਜੀਏ ਦਵਾਈ, ਆਪਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸੇ ਫਾਇਦਾ ਤੋ ਵਹੀਂ ਸੇ ਲੀਜੀਏ, ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਤੋ ਤੀਨੋ ਹੌਸਪਿਟਲ ਯਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਰਮੋੜੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਏ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਤਨੀ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਲਾਈਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲਿਕ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਮਾਨਤੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਤੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਕ ਮਾਨਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕੀ ਅਨਜਾਨੇ ਮੇਂ ਜਿਨਸੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਰਾ ਵੋ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਤੇ ਗਈ ਤੋ ਅਬ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਅਨਜਾਨੇ ਮੇਂ ਯੇ ਵੋ ਤੋ ਹੈ, ਅਬ ਯੇ ਤੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਮੱਖੀ ਨਿਕਲ ਜਾਤੇ ਮੋਟ ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਇਸੇ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੱਖੀਆਂ ਚਲੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਅਨਜਾਨੇ ਮੇਂ। ਉਹ ਤੋ ਪਤਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਨੇ ਬਾਹਰ ਕਾ ਸਮਾਨ ਖਾਇਆ, ਕੇਕ ਖਾਇਆ, ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਇਆ, ਬਿਸਕਿਟ ਖਾਇਆ, ਔਰ ਲਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੇਂ ਅੰਡਾ ਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕਾ ਗਿਲਾਸ ਲਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਤੋ ਉਨ ਲੋਕੋ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾਰਾ ਲਗਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕੇ ਅਨਜਾਨੇ ਮੇਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਿਨਸੇ। ਜੀ ਆਪਕੋ ਮਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਬਚਨੋ ਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ। 3 ਬਚਨੋ ਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
वो जल्दी करो, खड़े हो जाओ। हाँ, जल्दी से इधर उधर मत देखो भाई, गलती हो गई, खड़े हो जाओ। गलती करनी नहीं चाहिए, खुशियां बहुत पीछे चली जाती हैं। पर चलो, मालिक से दुआ करेंगे, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। बस इतना ही जोर है, कहीं उन्होंने बीच में फुसफुस करके बैठ गए। हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, माफ है भाई, नारा वैसे जोर से बोलो बेटा, मुंह पवित्र होता है, आपको खुशी और जितना कोई सुनता उनको भी खुशी। दर्शन होते बता दिए, खजाने वाला सिक्का खर्च किया, दांत गुम हुई दो बार, जाम पे सेवा का प्रसाद गुम हुआ, दांत पुरो का प्रसाद गुम हुआ, नारा लगाया था, पूरा निके नाम शब्द सुना, प्रसाद पक्षी खा गया, बीमारी वाला प्रसाद तीन बार लिया, दूसरों में कमी देखने में खुद में कमी आ गई, निंदा की अपशब्द बोले, किसी को ज्यादा भूख लगने का मजाक उड़ा, खुद को ज्यादा भूख लगने लग गई। ये खास खास के साथ ही होता लगता है। नशे वाली गोली खाई, हलवे का प्रसाद तीन बार खाया, किसी की बीमारी का मजाक उड़ाया, तब से बीमार हूं। बुजुर्गों वाले कैबिन में बैठने से नजर कमजोर होगी, बड़ों का निरादर किया। तो भाई ऐसा ना किया करो, नारा लगा दो, आपको माफ है, मालिक आगे से बख्शे, खुशियां दे, आशीर्वाद। दूसरी बार माफी लेनी, 5 महीने सिमरन की अंजू, नारा लगा दे, खड़े होके बैठ जाओ, सिमरन करो और मालिक माफ करने वाले हैं, आइंदा गलती ना करना। सेवा का स्पेशल प्रसाद, सुबह 6 से रात के 8 बजे सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। 6 भाई बहनों ने दिंदु के मध्य में बैंक में पैसा जमा करवाया है जी, वो खड़े हो जाएं। तो मालिक से दुआ करते हैं, मालिक आपके घरों में आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़ाए, घरों में खुशियां हैं, मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद। बैठ जाए बेटा। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं, दिंदु के मध्य बैंक में 3200 रुपए जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 7 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं, नेत्रदान महादान, आशीर्वाद। लड़के का नाम संदीप इंसान, पुत्र मदन गोपाल इंसान जी के निवासी पानीपत हरियाणा, लड़की का नाम पूजा इंसान, पुत्री रामधारी इंसान जी के निवासी कुरुक्षेत्र हरियाणा। लड़का अजय जी, लड़की अजय, दिल जोड़ माला डालें जी। और फिर शासन जी, आपने देखा ये नौजवान शास्त्र में कितने स्पेल फॉर पुरुष का मेंबर है, उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा, मालिक और खुशियां बख्शे, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और आपने देखा शादी वाले दिन भी ये तन मन धन से सेवा करना नहीं भूलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते और इन सबको आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। ब्लॉक MSG कॉम्प्लेक्स सरसा नया बना है जी, चुनाव के समय 750 थी जी, खड़े होते जाना जिनका नाम बोला जाए। प्रगट बागू इंसा 7 मेंबरों का जिम्मेवार है जी, खड़े हो जाएं। चरणजीत इंसा 7 मेंबर, रणधीर इंसा 7 मेंबर, पवन कुमार इंसा 7 मेंबर, इकबाल सिंह इंसा 7 मेंबर, गुरप्रीत सिंह इंसा 7 मेंबर, राज सिंह इंसा 7 मेंबर और राकेश इंसा बलाग मंगीदास। और यह दीनदु के मध्य में बैंक में 7770 रुपये जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद। तो आप अपने ब्लॉक में आश्रम में जोर शोर से सेवा करें, मालिक दिन दुगनी राजचोक दिया मेरे रहमत से आपको माला माल करें, सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। जी बैठ जाए आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लीजिएगा बाद में। और अब वो परिवार जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा है, मकौड़ साहब संगरूर से आए, इनके पत्नी ने चोला छोड़ा, नाम लिया तो उम्र 69 साल, और उनकी याद में दिंदु के मध्य में बैंक में 5000 रुपये जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया, खड़े हो जाएं जी। तो बेटा जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फूल लेके आए हो, या तो खुद का खेत गहरा गड्ढा खोद के बांध दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नार लगा के प्रवाह कर दो, क्योंकि ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो तो निज धाम लेके जाते हैं। प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है, मालिक की ताकत है। इधर भी अगर कोई परिवार का आया है वही परिवार का जिनके चोला छोड़ा कोई नहीं है, इधर तो दिख नहीं रहा कोई, तो अब बाकी सत्संग में अगर कोई नशा छोड़ने आया है तो 7 दिन के लिए यहां पे रुक जाओ, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, 7 दिन सेवा सिमरन करने से भयानक से भयानक नशा छूट जाता है। असल तो जरूरत नहीं पड़ती, पर जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल भी है, पर ख्याल रखना जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी है उनका संग उनकी सोहबत बिल्कुल नहीं करना, ये पूरा पूरा ख्याल रखना है। तो परिवार का एक आदमी और आपने प्रसाद बाद में ले लेना है। सत्संग में प्रसाद पहन, शादी के कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी, या कोई छोटा बच्चा लेके आए कि आशीर्वाद लेना है, तो ये सामान बैठे बैठे ऊपर कर लीजिए। सारी सत्संग को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए, सामान नीचे कर लीजिए,
बाकी जो भी सत्संगत सेवा करती है, जो भी सेवा में समय निकाल के आप लोग आते हैं, सेवा सेवन सत्संग का फल मालिक बढ़ चढ़ के आपकी झोलियों में डाले, खुशियां बख्शे, घरों में बरकतें हों, जो घरों में भी आपकी जगह पे ड्यूटी निभाते हैं उनको भी मालिक दया में रहमत से नवाजे, बहुत बहुत आशीर्वाद। सेवा का मेवा नगद नगद कई गुना बढ़ के अब मिला करेगा, क्योंकि कलयुग है, जो जो काल का जोर बढ़ता है तो दयाल की भी दया में रहमत कई गुना बढ़ती है, बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जाएगी, इसका कोई किनारा नहीं, इतनी ज्यादा बढ़ेगी। सो इसलिए सेवा पे समय जो निकालते हो मालिक बहुत खुशियां बख्शता है। सो जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा सा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज लेना, उसके बाद जैसा आपका ख्याल, जाने का तो समय साधन के अनुसार जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना सेवा करना आराम करना है। प्यारी सत्संग जी और सेवादारों, आपने सेवा की हो, आप निशानी से रह गए हो भंडारे की, तो आप बता सकते हैं 50 नंबर में जाके जरूर आप बताइए। मुंह नहीं फुला के बैठ जाना, कहीं गुब्बारा बना के बैठ जाओ, वही मैंने तो देते ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना, बाई चांस हो जाता है मिस्टेक सेवादार लिखने वालों से, अगर वो भी आदमी है, इतनी सात संगत बढ़ गई है, सेवादार इतने बढ़ गए, गुफा बहुत बड़ी बनाई है, बड़ी करते गए रोड तक चेंज करनी पड़ी, रोड उधर बना ली कि भाई गुफा और बढ़ानी पड़ी, तो लेकिन आप सिर्फ सेवादारों से वो गुफा भर गई। इस बार 26 जनवरी को जब सेवादारों को प्रसाद दे रहे थे तो तिल फेंकने को जगह नहीं थी, आगे आगे थोड़ी जगह जो रखते हैं, बाकी हमें लगाने की कहीं जगह थी, पूरा ठसाठस खसाखस कुछ भी बोलो भरी हुई थी गुफा। तो आपका प्यार मोहब्बत सेवादार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो मालिक की खुशियां भी कई गुना बढ़ती जाएंगी। सो आप सबको बहुत आशीर्वाद। तो अब थोड़ा सा समय सज रही है, धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक दो मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपने अपनी जगह पर बैठे रहें जी। धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सारी संगत को सूचित किया जाता है कि शाह मस्ताना जी धाम से लेकर आगे नेजिया गांव तक ना ही किसी ने जमीन या प्लॉट वगैरह नहीं खरीदना। अगर आपको प्लॉट या फ्लैट की जरूरत है तो कमरा नंबर 50 में अपना नाम लिखवाएं। आप सभी ने इस प्रार्थना को मानना है और सभी ने गुरमुख बनना है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। सात संगत के लिए खुशी की सूचना है, 6 फरवरी को रविवार के दिन पूजनीय गुरुजी पानीपत में सत्संग फरमाएंगे जी। सत्संग का समय 11 से 2 बजे का होगा, 6 फरवरी रविवार को। जो लंबे समय से बीमार हैं और पहले प्रसाद नहीं लिया, जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, उन भाइयों ने साइड के 36 नंबर पिलर के पास और बहनों ने 99 नंबर पिलर के पास आकर प्रसाद ले लेना है जी। आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है, जो भाई या बहन सेवा करना चाहते हैं आप अपने अपने प्रांत के 25 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं जी। पंडाल में जो बुजुर्गों वाले कैबिन है, इन कैबिनों में केवल बुजुर्गों ने ही बैठना है। लंगर भोजन जब भी आप यहां ग्रहण करते हैं तो श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण किया करें, बेकार बिल्कुल भी न जाने दिया करें जी। सुबह की मजलिस का समय 9 बजे का है। अब पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन सतगुरु तेरा ही आश्रम।